Hello everyone, I am Chanchal and welcome back to my YouTube channel and be Chanchal. So guys, I hope all of you are doing well. तो गाइस जैसे कि विंटर वेडिंग्स अभी चल रही हैं तो हमको कुछ ऐसा चाहिए होता है कि हमें वार्म फील भी हो और साथ स्टाइलिश भी लगे. तो इनके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है तो बेस्ट जो हो है वो है वेलवेट का जो फैब्रिक होता है उनकी आप ड्रेसेस बनवाए या ऑनलाइन ले ले. तो वेलवेट के जैसे ड्रेसेस होती हैं वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल भी लगती हैं, वॉर्म भी लगती हैं आपको और बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश भी लगती है. तो मेरे पास कुछ जैसे वेलवेट की ड्रेसेस है वो अब मैं आपको शो करूंगी. तो आप जैसे बनवाना चाहते हैं उनको बनवा सकते हैं वेलवेट का फैब्रिक लेके, नहीं तो ऑनलाइन आजकल इतनी ज्यादा मिल रही है वेलवेट की ड्रेसेस, आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं. तो इनमें से जो ऑनलाइन प्रोडक्ट है उनका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगी, तो आप उनको चेक कर लीजिएगा. और जो ऑफलाइन है वो आप बनवा भी सकते हैं वेलवेट का फैब्रिक लेके, आप उसको क्रिएट भी कर सकते हैं. तो वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हिट द बेल आइकन बटन फॉर लेटेस्ट अपडेट. ज्यादा देर ना करते हो स्टार्ट करते हैं, लेट गाइस स्टार्टेड द वीडियो. तो ये जो मेरी फर्स्ट ड्रेस है गाइस वो वेलवेट के फैब्रिक में जैसे धागे से इसमें बूटियां बनी हुई है और ये वाइन कलर में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है. इसका जो कलर है, जो वेलवेट का फैब्रिक होता है वो डार्क कलर में ही अच्छा लगता है. जैसे आप मैरून ले लो, वाइन ले लो और ब्लू कलर में, ब्लैक कलर में, इस तरह के कलर जो है वो वेलवेट में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं. और ये जो सूट है ये प्लाजो के साथ बनाया है तो इसका जो लुक है वो बहुत ही ज्यादा प्यारा लगता है. अगर आप किसी वेडिंग में गेस्ट हैं तो इस तरह का लुक जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगा. अगर आप वैसे भी इसको अच्छे से एक्सेसराइज करके पहने हैवी लुक देना चाहते हैं इसको तो आप हैवी लुक भी दे सकते हैं, तो इसका जो लुक है वो बहुत ही ज्यादा प्यारा आएगा. थोड़ा प्लेन में है ये, जैसे आप वेडिंग में गेस्ट हैं तो आप इसको पहन लें तो ये जो इसका लुक है वो भी बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल आता है. इसका जो कलर है वो मैरून कलर है और बहुत ही प्यारा सा लगता है इस कलर का. जो अगर आप टॉप लेना चाहते हैं टॉप ले सकते हैं, नहीं तो प्लेन कुर्ती बनवाना चाहते हैं इस कलर में तो प्लेन कुर्ती भी बनवा सकते हैं. ये एकदम प्लेन है, ए लाइन है ये पूरा और बहुत ही ज्यादा प्यारा लगता है. तो आप इसको जैसे हैवी लुक में, जैसे हैवी स्टोल डाल लें इसके ऊपर या हैवी दुपट्टा डाल लें आप इसके ऊपर तो इसका लुक जो है वो भी बहुत ही ज्यादा प्यारा आएगा. मैंने जो लुक है वो एकदम सिंपल एंड एलिगेंट लुक क्रिएट किया है इससे, तो ये ऐसे भी बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं. जैसे प्लेन दुपट्टा डाल लो आप या हैवी नहीं करना चाहते आप उस तरह से, तो आप इस तरह से भी यूज कर सकते हैं. बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल होते हैं इस तरह की ड्रेसेस और वॉर्म भी बहुत ही ज्यादा रहते हैं तो बहुत अच्छे. मैंने वेलवेट का कुछ इस तरह से ये दुपट्टा बनाया है, ये वेडिंग पर्पज से बनाया है. तो आप मैंने ये एक लेस आती है तो उसको मैंने ग्लू से यहाँ पे इस तरह से चिपका दिया. तो आप इसको इस तरह से पहनो, नेक में आपको कुछ पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी. और आप जैसे इस तरह से भी डालें आप इसको वेडिंग्स में या किसी फंक्शन में तो भी इसका लुक जो है वो बहुत ही ज्यादा प्यारा आएगा. तो कुछ इस तरह से मैंने इसको बनाया और नीचे में कुछ इस तरह से इसमें लटकन लगा दी है. ये स्टोल टाइप का है तो अगर आप स्टोल में नहीं तो आप एक शॉल भी इससे क्रिएट कर सकते हैं. वेलवेट का फैब्रिक लेके उसके चारों तरफ लेस लगा लो, खूब अच्छी सी लेस लगा लो, या आप जैसे भी पतली चाहते हो तो पतली लगा लो, नहीं तो अगर आप थिक चाहते हो तो थिक भी लगा लो. बहुत ही ज्यादा प्यारे लगते हैं इस तरह के शॉल जो है वो, बहुत ही ज्यादा ग्रेसफुल भी लगते हैं. साड़ी के साथ आप ड्रेप करो इस तरह की वेलवेट के शॉल को, बहुत ही प्यारा सा ग्रेसफुल लुक आता है इनसे. तो मैंने ये स्टोल बनाया है, ये अपने सूट के लिए बनाया है. इस तरह की आजकल जैसे साड़ी चल रही है यहाँ पे, जैसे ब्रोच लगा होता है, लेस लगा देते हैं यहाँ पे, तो उनका लुक जो है वो बहुत ही ज्यादा प्यारा आता है. तो इसी तरह से आप इस स्टोल को भी यूज कर सकते हैं. तो उसी पर्पज से ये स्टोल जो है ये इस तरह से बनाई हुई है. आप वेलवेट का ब्लाउज बनवा सकते हैं, आप फुल स्लीव्स में विंटर वेडिंग्स में फुल स्लीव्स का ब्लाउज बनवाए तो बहुत ही ज्यादा प्यारा लगता है. वेलवेट का जो ब्लाउज है बहुत ही ज्यादा वॉर्म भी रखता है, बहुत ही स्टाइलिश भी लगता है. विंटर में जैसे आप फुल स्लीव्स के ब्लाउज पहनो तो उनका लुक जो लुक आता है वो बहुत ही ज्यादा. तो ये जो मेरा है वो इतना है, इसका जो वेलवेट का जो ब्लाउज है मैंने इतना बनवाया. ये काफी पुराना ब्लाउज है तो जैसे अभी मैं बनवाना चाहूँ तो मैं फुल स्लीव्स में ही बनवाऊंगी क्योंकि वो अच्छा भी लगता है और ट्रेंड में भी रहता है और वॉर्म भी रखता है.
तो ये मैंने काफी पुराना बनवाया हुआ है, लेकिन ये भी बहुत ही ज्यादा वार्म रखता है और मेरी कई सारी साड़ियों के साथ मिक्स एंड मैच हो जाता है। तो बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल ब्लाउज है। आप एक वेलवेट का ब्लाउज जो है, जैसे ब्लू कलर में, जैसे सॉलिड कलर में, कोई भी ब्लू कलर में या फिर मेहरून कलर में, रेड कलर में, इस तरह का कलर में जैसे बनाओ तो आपकी कई सारी साड़ियों के साथ वो मिक्स एंड मैच हो जाएगा और बहुत ही प्यारा लुक आता है वेलवेट के ब्लाउज के साथ। और आप इस उसको जैसे हैवी थोड़ा बनवाना चाहते हैं तो यहाँ पे लेस अटैच करवा सकते हैं, तो उससे उसका स्लीव्स में जैसे यहाँ पे लेस अटैच करवा सकते हैं उसको, थोड़ा पार्टी वियर लुक देने के लिए, वेडिंग वाला लुक देने के लिए, तो तब भी उसका लुक जो है वो बहुत ही ज्यादा प्यारा। ऐसा लगा आपको मेरा वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हिट द बेल आइकन बटन फॉर लेटेस्ट अपडेट। टिल देन बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।